बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज संडे का दिन है और आज जो है हम लोग अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के जितने भी रूटीन होंगे वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज ना हम लोगों ने बाज़ार भी जाना है, तो मुझे सूट वगैरह लेने हैं और मैंने ना अपने शूज़ वगैरह लेने हैं। और हम लोगों ने भी खाना वगैरह भी बनाना है क्योंकि वो काम करने के लिए जाए हुए हैं ना, उनके लिए खाना बनाना है तो वो बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग नानी के घर जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग बाज़ार जाएंगे। और आप लोगों ने एंड तक ब्लॉग को देखना है और इन्जॉय करना है। तो बाकी हम चलते हैं ब्लॉग की तरफ और वीडियो को लाजमी से शेयर कर देना है, फिर से वही वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक भी कर देना वीडियो को, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चले हम लोग कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसका जो भी ऑयल वगैरह आता है वो उड़ता है भाप में आके ना, फिर यहाँ पे लग जाता है और सारी यहाँ पे चिकनाई इतनी ज्यादा हो जाती है। किचन जो है मैंने सारा जो है साफ़ कर लिया है। और केले पापा लेके आए थे तो केले निकाल के मैंने शॉपर से रख दिए क्योंकि वरना गल जाएंगे शॉपर में। और एप्पल पड़े हुए हैं अभी तक। और बाकी जो है हारा मैडम, हारा वही, इसको बहुत प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इसको। हारा जानी बड़ी सियानी, इतने प्यारे फूल खिले हुए हैं आज। व्हाइट वाला भी आज यहाँ पे खिल गया। शायद वीडियो में आप लोगों को ना ये न्यू बिल्ला जाए ये नहीं दिखाया, ये ना किसी का है और उन्होंने हमें दिया कि आप लोग अभी इसको रख लो अपने घर, हम फिर ले लेंगे। ये बिल्कुल रेनबो जैसा है लेकिन ये है कि ये इसका जो कलर है वो ग्रे है और वो ब्राउन था, वो ऑरेंज था। पालक गोश्त जो है ना ये मम्मा के बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो मम्मा को बहुत पसंद है। मुझे पालक में जब चिकन में बनी तब अच्छी लगती है लेकिन अगर आलू में पकी हो ना तो मुझे नहीं अच्छी लगती। मम्मा को और पालक के साले वैसे बहुत पसंद है। और हमारा अभी तक तैयार नहीं हुई है लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, सब्जी भी मार दिया आपके साथ नहीं सारे मेरे ऊपर कर दो, इसमें कसूर भी मेरे। अब मैं फटाफट से ना पालक काट लेती हूँ फिर मम्मा सारे बना लेंगी। तो पालक जो है मैंने और मम्मा ने और हमारा ने हम लोगों ने मिलकर काट ली है और अब जो है हम लोग सलाद बनाने लगे हैं। और जो पालक के जितने भी छिलके थे वो इस शॉपर के अंदर मैंने डाल दी और अब ये हमारे तोते खाएंगे। ये तोते पालक जो है बहुत शौक से खाते होते हैं। तो बस अभी मम्मा जो है सालन बना लेंगी, सालन और रोटी मम्मा बना लेंगे और बाकी का जो ऊपर का काम होगा वो मैं और हमारा मिलकर कर लेंगे। तो मम्मा ने ना पालक को धो के ना इसको बर्तन में डाल दिया और आज ना मैं आप लोगों के साथ पालक गोश्त की रेसिपी भी ना शेयर कर देती हूँ। तो मम्मा जो है पालक को सबसे पहले बॉईल करेंगी, बॉईल करने के बाद मम्मा इसको ग्राइंड करके फिर मम्मा जो है सालन इसकी बनाएंगी। तो अभी मम्मा ने इसके अंदर पानी डाल दिया और फिर अब इसको बॉईल कर लेंगे। कितने मिनट के लिए करेंगे? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसको बॉईल कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब प्याज टमाटर सब्ज मिर्चे और अदरक लहसुन इन सबको भी एक साथ ही हम लोगों ने पीस लेना है। इसके अंदर डाल रही हूँ मम्मा।
तो मम्मा ने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया और अब इसको देचकी में डाल के अच्छे तरीके से पका लेंगे। पालक भी हमारी बॉईल हो चुकी है, अब इसको भी हम पीस लेंगे। मामा ने यहाँ पे ना देचकी में ऑयल डाल दिया, अब इसके अंदर मसाला डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगी। फिर जब ये मसाला जो है भून जाएगा, फिर इसके अंदर चिकन डालेंगे। मसाला जो है अच्छे तरीके से भून गया, पता नहीं आप लोगों से इस तरह नज़र आ भी रहा होगा कि नहीं, क्योंकि बिजली जो है चली गई है, बादल के बहुत ज़्यादा आ गए हैं, गहरे बादल आ गए हैं, तो इसलिए फिर अब मामा इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए। ये गर्म मसाला है ना? हाँ, गर्म मसाला। गर्म मसाला, लाल मिर्च और हल्दी, नमक और भी डालेंगे मसाले। हाँ। और चिकन जो है यहाँ पे मम्मा ने धो लिया और ये चिकन इसके अंदर डालेंगे। ये वो जो आपने बनाया था टिक्का मसाला, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वो सारे मसाले जो है मम्मा ने मिक्स कर लिया इसके अंदर और अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे मम्मा। तो चिकन को डालने के बाद हम मम्मा जो है चिकन को भी पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर जो है पालक डाल देंगी, फिर पालक को भी अच्छे तरीके से पकाएंगे और उसके बाद हमारी जो पालक वाली सालन है वो रेडी हो जाएगी। तो सालन ये बन गई थी और हम लोगों ने ना ऊपर खाना भेज दिया और अब ना ये सालन जो है इतनी सी हमारे लिए बची और अब हम लोग भी खाना खा लेंगे। और मोहित भी आ गया पैगाम लेके कि गिलास देता हो, अब उसको गिलास वगैरह दें और फिर हम खुद खाना खाएं। मेरी और हमारे की तो ऐसी रोटी आ गई, रोटी के ऊपर ही सालन डाल के खा रहे हैं। तो चलो जी खाओ, ऐश करो और किचन की हालत फिर से देख लें, फिर से इतना गंदा हो गया, साफ करेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े के बनिए सालन। मज़े की बनी है बहुत ज़्यादा, आप लोग भी ट्राई करना ठीक है, बहुत मज़े की बनिया। तो अब जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय वो मिस्त्रियों के लिए और फिर उनको दूंगी, क्योंकि मम्मा तो सो गई। मम्मा कहती है अब ज़रमीन आप चाय बनाओगी, मैं सो रही हूँ। मम्मा सो गई और अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय भी मैंने बना के ऊपर भेज दी और इतनी सी अब चाय रह गई है जो कि चाय के शुदाइयों को मिलनी है, मोइदर राफे को, और वो आके पियेंगे और पड़ी हुई है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था ना कि मेरा बैग जो है वो गिर गया था कीचड़ में, और अब इसको मैंने खाली किया और अब इसको धोने लगी हूँ मैं। तो हालांकि ये नया लिया था मैंने बैग, 10-15 दिन हुए हैं स्कूल जाते हुए, और तब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैं नया बैग जो है लेके आया मैं, और अब सारा गंदा हो गया। ये देखें, यहाँ से ये टूट गया था, यहाँ से ये टूट गया और ये जिसकी वजह से यहाँ से निकल गया, और एकदम जैसे मैं वैन से उतरी सीधा नीचे, और मुझे पता ही नहीं लगा मेरी जूती आगे निकल गई। आगे से धोते हैं, तो धो लेती हूँ मैं। बैग मैंने ना धो लिया और हल्की हल्की सी ना धूप निकल रही है और इसलिए मैं इसको खा रही हूँ। अमारा अभी बैठ के अपना होमवर्क वगैरह लिख रही है और मम्मा जो है बाज़ार आज नहीं गई, क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर इस वजह से मम्मा नहीं गई बाज़ार। और मानो भी यहाँ पे बैठी हुई है, जब भी कोई लिख रहा होता है ना होमवर्क तो मानो ने उसी जगह पे जाके बैठना होता है। मानो मानो अप 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 अप। कितना हो गया होमवर्क? जरा भी नहीं हुआ। अभी अरबिया कर रही इतना अरबिक का करो करो। बादल अभी भी हैं लेकिन काले नहीं हैं, नहीं और मुझे नहीं लगता अब बारिश होगी, क्योंकि इस तरह के लग ही नहीं रहे बारिश, वो बारिश कह रही हूँ बादल। हाँ थक गई हूँ मैं भी। सुबह को ये सारे फूल खिले हुए थे और अब देखो सारे बंद हो गए हैं, सारे, हाँ कोई भी नहीं खिला हुआ, सारे के सारे इतने ज़्यादा खिले हुए थे। यूनिफॉर्म भी मैंने ना धो लिए थे और अब खुश्क हो गए हैं ये, और इनको मैंने अब आयरन करना है।
और बैग को भी मैंने पैक कर लिया, बैग भी मेरा खुश हो गया था ना, तो इसलिए फिर सारी चीज़ें जो है बैग के अंदर मैंने पैक कर ली। और कुछ नोटबुक्स वगैरह जो हैं, बुक्स वगैरह वो मैंने निकाल के रख दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो गया था बैग मेरा, तो इसलिए फिर मैंने रख दी। अभी ना मैं टिकटॉक की फनी वीडियो बना रही थी, तो इसलिए मैंने चश्मा पहना हुआ। और अभी हम लोग ना जा रहे हैं ऊपर, और वहाँ पर जाके देखते हैं कितना काम हो गया था। तब से मैंने पहना हुआ, अभी इसको उतारती हूँ मैं। चलो जी आ जाओ, आपने भी पहन लिया। कमोन 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 एवरीबॉडी, माना भी हमारे साथ ही आ गई है। वैसे क्या मैंने भी जाना है, वो वैसे प्यारे लग रहे ऊपर हैं, जो टाइलें वगैरह लगी हैं प्यारी लग रही हैं। वो आपने बताना, हमने कभी काम कर रहा है। नहीं आपकी क्या राय है। माशाल्लाह लाइट्स भी लग गई आज, ये सारी टाइलें लगी हैं और लाइट्स वगैरह पहले ही लग गई थी, लेकिन मैंने देखी नहीं थी, ऊपर आई नहीं थी, तो इसे ऐसे लाइट्स मैंने आज देखी हैं और टाइलें वगैरह आज लगी हैं। और बाकी वॉशरूम का काम हुआ है। इसको देखो, ये हुआ है, प्यारी लग रही हैं ये। अभी पूरा वॉशरूम भरा हुआ है सामान से, क्योंकि बारिश वगैरह होती है ना, तो ये गीला हो जाना था, तो इस वजह से यहाँ पर रख दिया इन्होंने। मानो को क्या पता नहीं वहां पे नजर आ रहा है, मानो ये पौधे पौधे। हाँ मम्मा ने ना ये जो बनाया था घर में झूला टाइप का, और ये मम्मा ने यहाँ पे लाके लटका दिया है। और पिंजरे जो हैं दोबारा से बाहर आ गए हैं, क्योंकि वहां पे तो टायरे जो है अभी वो गिली हैं और कच्ची हैं अभी, वरना निकल जाएंगे ये, तो बाहर आ गए हैं ये। अब कल जो काम होगा ना, यहाँ पे टाइलें वगैरह लगेंगी और वॉशरूम का जो फर्श है यहाँ पे टाइल लगेंगी, और फिर बाद में ये वाले काम तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी ग्रिल वगैरह लगनी है, तो तोते जहाँ पे शिफ्ट होंगे ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सारे ग्रिल वगैरह लगेंगी, फिर उसके बाद मुकम्मल कम्प्लीट हो जाएगा। अभी मैंने तो देख लिया, मैं जाने लगी हूँ घर, और हमारा वाले भी उड़ी बाबा, ये तो काले हो रहे हैं बादल। काले हो रहे हैं, पहले नहीं थे, ठीक है? नहीं पहले थे ही नहीं, बादल ही नहीं थे। बादल पहले थे लेकिन इतने काले नहीं थे, अब जाके हुए हैं काले। वो ये वाले बादल थे ना, ये जो ऊपर है ना, ये पहले थे। नहीं जी हाँ, यस नो। क्या बन रहा है ये, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा, क्या है जो भी बन रहा हो, क्या बन रहा है बताओ, नाम बताओ ना। नूडल्स। कल भी मैंने ये वीडियो में दिखाया थी, लेकिन कटिंग करते हुए नहीं दिखाया था मैंने, पता नहीं क्या ऐसे कटिंग करते हैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया, इतने मजे के लगे ना ये नूडल्स, इतने मजे के, मैं ऐसे से बनाना स्टार्ट करती है। और हमारा ने आते साथ अपना बैग वगैरह उठा के अंदर रख दिया। मानो को देखा था अभी। तो बस आज का मेरा इतना व्लॉग था, तो मुझे छोटी व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाजमी से शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, और तब तक अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।